अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं जो हूँ, कुछ क्ले पॉट्स यानी कि जो मिट्टी के गमले होते हैं, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए हैं। जो मेरे पास सबसे बड़ा गमले का साइज़ है वो ये सारे आप देख सकते हैं लाइन से रखे हुए। ये 36 पीसेज हैं गमलों के, 37। तो ये मैंने बनवाए थे, तो ये आज मैं रिसीव करने यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस जगह का विज़िट कराया जाए। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बंदा गमले लेके जा रहा है और ये सब यहाँ पर हर साइज़ के, हर डिज़ाइन के पॉट्स मौजूद हैं। और ये बनते किस जगह पे, ये काफ़ी मिस्टीरियस सी बात है। ये एक मिट्टी सी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी की ईंटों की बनी हुई है, ठीक है। और अंदर ये इसके इन्होंने अरेंजमेंट की हुई होती है सेंटर में आग लगाने की। ये देखिए, ये सेंटर में इन्होंने आग लगाने की अरेंजमेंट की हुई है। और ये साइडों पर गमले अभी भी इसमें रखे हुए हैं भट्टी के अंदर। इसमें ये इधर एयर का एग्ज़िट होता है, ऊपर एक डोम स्टाइल बनी हुई है ये बिल्कुल। और यहाँ पे जो है ऊपर जो है वो एयर धुएँ का और उसका एग्ज़िट है। और अंदर यहाँ पे ये आग जला देते हैं इसके और इसको बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो इसके अंदर एटलीस्ट 2 दिन तक जो है गमले आपके बंद रहते हैं कच्चे, और फिर जब वो निकलते हैं तो वो पके हुए निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी काफ़ी बड़ी जगह है, ये वीडियो में इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर जिस साइज़ के गमले मैंने बनवाए हैं उस साइज़ के भी तकरीबन 100 गमले इसके अंदर आ जाते हैं, एक के ऊपर एक करके हाइट उनकी सेट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आइए, ये मैंने दिखा दिया। और भी बहुत तरह के पॉट्स हैं यहाँ पे, ये सब रेडी हुए पॉट्स हैं। इसमें से कुछ टूटे हुए भी होते हैं, कुछ टूट जाते हैं ऑब्वियसली, मिट्टी की चीज़ें हैं। ये इनका शेड है, इस शेड के अंदर जो गमले रखे हुए हैं, ये आपको जो सामने गमला दिख रहा है ये अभी पका नहीं है, ये कच्चा है, तो ये अभी भट्टी के अंदर जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, सॉरी कास्टिंग उसकी हुई हुई है, और इसकी अभी कुकिंग नहीं हुई, यानी कि बेकिंग इसकी नहीं हुई है, कास्टिंग इसकी हो चुकी है। इन सब की कास्टिंग हो चुकी है, बेकिंग नहीं हुई है। जितने भी आपको ये इसमें शेड के नीचे नज़र आ रहे हैं, शेड इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है बैम्बू का। तो ये सारे जो गमले हैं इनकी अभी बेकिंग होगी, यहाँ पर रखे हुए हैं ये देख सकते हैं। ये देखें, ये सब अभी कच्चे हैं बिल्कुल। और दूसरा इनका तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका नहीं, ये करते क्या है, ये पहले इनकी गमलों की कास्टिंग करते हैं। मैं आपको वो बैकवर्ड स्टेप्स दिखा रहा हूँ। मैंने पहले आपको जो है इनका ओवन दिखाया, ठीक है, फिर मैंने जो कास्ट हुए ड्राई गमले आपको वो दिखाए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि अभी कास्ट होके वेट हैं, यानी ये वो गमले हैं जो कि अभी सूख रहे हैं, इन्होंने इनकी कास्टिंग कर दी है और अभी ये खुश्क हो रहे हैं, ठीक है। खुश्क होने के बाद ये इनको शेड के अंदर रख देंगे, शेड के बाद ये बेक होंगे, वहाँ से फिर ये जहाँ कहीं भी ऑर्डर हुआ होगा ये उधर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी कास्टिंग किस जगह पे होती है आपको वो दिखाते हैं, किस तरह होती है वो तो अभी नहीं दिखा सकते, ये लोग उस पर काम अभी नहीं कर रहे। अच्छा, आप देख सकते हैं ये ट्रेस रखी हुई है, हर गमले के नीचे एक गोल्ड ट्रे रखी हुई है। तो ये बेसिकली इनके पास बहुत सारी ट्रे होती हैं, इन्हीं ट्रेस के ऊपर ये गमलों की कास्टिंग करते हैं। ये देखें, ये सारी ट्रे रखी हुई हैं, इन्हीं के ऊपर ये इनकी राउंड कास्टिंग करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंस, ये गमला जो है ये ऊपर से जो है थोड़ा सा ड्राई दिख रहा होगा, नीचे से ज़्यादा वेट हो रहा है। तो ये डेफ़िनेटली इन्होंने या तो आज बनाया होगा या कल बनाया होगा, उनका भी यही सिनेरियो है, वो ऊपर से बिल्कुल ड्राई है, नीचे से वेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आज कल में ही कास्ट हुए होंगे, इनके नीचे जो है इन्होंने मिट्टी अपनी दबाई हुई होती गीली, इन सब के नीचे जो है चिकनी मिट्टी जो होती है इनकी वो जमा हुई भी होगी, और यहाँ पे खड़े होकर ये इनकी कास्टिंग्स करते हैं। इस जगह पे इधर ये कोई अरेंजमेंट्स करते हैं जहाँ पे ये इनकी कास्टिंग्स करते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर अगर मुझे नज़र आ जाए। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे इधर नीचे इन्होंने ये सेटअप किया हुआ है, और ये ऊपर तक ये सेटअप आ रहा है, और ये जो चीज़ है आप ये देखें, ये गोल गोल घूम रही है, देख रहे हैं आप, ये गोल गोल घूम रहा है। इन पर रख के इनकी कास्टिंग्स की जाती है, और ये इसको रिपेयर कर रहे हैं, या ये इन्होंने अभी, क्योंकि अभी कास्ट हुआ तो नहीं अंदर इसका दिख रहा है, ये आई थिंक इसको रिपेयर कर रहे हैं गमले को, जिस तरह का सिनेरियो हो सकता है। इसके अंदर ये मिट्टी रखी हुई है, उन्होंने अपनी मिट्टी स्टोर जी इसमें इन्होंने अपनी मिट्टी स्टोर की हुई है। ये देखिए, इसमें इन्होंने मिट्टी रखी हुई है जो ये कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इन सब के नीचे जो है वो गीली मिट्टी मौजूद है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये मैं इसको अपने पैर से प्रेस कर रहा हूँ तो ये दब रहा है, इन सब के नीचे गीली मिट्टी है, और वो गीली मिट्टी जो है इसको ये लोग, इनके पास तो वो काफ़ी ड्राई फॉर्म में आती है, इनके पास बड़े बड़े टैंक्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, उसमें ये मिट्टी को भिगोते हैं, आप ये देख सकते हैं।
ये देखें, ये पूरा एक टैंक बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब चिकनी मिट्टी इन्होंने भिगो के रखी हुई है। और मैं और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अभी इन्होंने भिगोई है तो इसको ज़रा टाइम लगेगा, जो पहले से इन्होंने भिगोई हुई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर अभी मिट्टी नहीं है, इन्होंने निकाली हुई है सारी की सारी मिट्टी इसके अंदर से। और ये वो मिट्टी है जो इन्होंने भिगो दी थी और अब काफ़ी ड्राई होने की तरफ है। ये देख सकते हैं आप, इस मिट्टी के अंदर आपको क्रैक्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये वो मिट्टी है जो कि इन्होंने पहले से भिगोई हुई थी। तो ये इनका फर्स्ट स्टेप आ गया, यानी कि मिट्टी आने के बाद यहाँ पीछे आप देख सकते हैं जो मेरी फिंगर की डायरेक्शन में ये जो पहाड़ बना हुआ है, ये सब चिकनी मिट्टी का पहाड़ है। इस मिट्टी को ये लोग पहले इसके अंदर भिगो देते हैं, भिगो के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे भी इसमें यही मिट्टी भीगी हुई है, इसको भिगो के लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद पहले इसकी ये शक्ल होती है, उसके बाद ये इस तरह से ड्राई हो जाती है। फिर ये कास्टिंग के लिए इसको यहाँ से निकाल के वहाँ गैदरअप कर लेते हैं सामने, जैसे इन्होंने वो पाइल्स गैदर किए हैं उनको कवर किया हुआ है। गैदरअप करने के बाद ये इनको कास्ट करके ड्राई करते हैं, ड्राई करके इनको शेड में रख लेते हैं। और शेड में रखने के बाद जब इनको ज़रूरत होती है तो सामने ही उनकी बेकिंग कर देते हैं। इस तरह का इनका ओवन नज़र आता है दूर से अगर आप देखें, और वो सामने गाड़ी के ऊपर हमारे जो पॉट्स हैं वो लोड हो रहे हैं इस वक्त, जो कि हमें अपने साथ लेके जाने हैं। तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑर्डर पे पॉट्स बनवाए हैं। ऑर्डर पे मैंने इसलिए बनवाए हैं क्योंकि जो रेडीमेड आपको मार्केट में मिल रहे होते हैं ज़्यादातर उनमें चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कच्चे गमले दे देते हैं, टूटे हुए गमले वो आपको दे देते हैं, आपको नज़र भी नहीं आता वो उसके ऊपर पेस्टिंग उन्होंने इस तरह से की हुई होती है। तो इस वजह से मैंने ऑर्डर पर बनवाए, ये एक्सपीरियंस करके मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस करके देखा जाए कैसा रहता है। और अपना देखते हैं, हम इनको ले जाके पेंट करेंगे और पेंट वगैरह करके इनको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे, तो फिर देखते हैं रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे बाय टाइम। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। तो बट ये कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इसके लिए आपको टाइम अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि आप इनको ऑर्डर करते हैं, इनके पास पहले से भी ऑर्डर्स होते हैं। ये आपका टाइम निकाल के उनकी कास्टिंग वगैरह करके फिर उनकी बेकिंग करते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरे केस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि इनकी अपनी कुछ मसरूफियत थी, अदरवाइज़ ये गमले में काफ़ी पहले ले आया होता, तो सब्र काफ़ी करना पड़ता है इसके अंदर, लेकिन जो रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है। चलें, ज़्यादातर गमले लोड हो गए हैं इसके ऊपर, अब आपके साथ मुलाकात करेंगे जब ये गमले हमारे घर पर पहुँच चुके होंगे और इनका पेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, टेक केयर।